तो जवाब दोस्तों सभी को कर दूं, प्लेट तैयार रख रखी, सिर्फ वाली प्लेट हमने रात को निकाल दी थी, वापस लगा लेंगे। और हाँ यार वो बैठ गई, बैग नहीं रखा ना, वो बैठ गए तेरे यार। कौन बैठ गया? हम जा रहे हैं भंगड़ा तुमड़ा के रूम पे, हमारे कपड़े वगैरह वही पड़े हुए हैं, तो चलो चलते हैं, वही चलेंगे। तो दोस्तों हम गाड़ी में, मैं गाड़ी में पीछे बैठा था और भैया गाड़ी साइड में खड़ी थी और भैया मिल गए। भैया सुमित भैया हाय कर दो। क्या मजा आया कि नहीं? बहुत मजा आया, बहुत मजा ला दिया। गान इतने तगड़े गा रहे थे कि मजे ला लिए। अरे मेरा व्लॉग देखा कि नहीं आपने? देख लिया, अभी जस्ट देखा था मैंने। देखा वो स्टार्टिंग बहुत बेहतरीन लगी यार मेरे को, कहीं भी बोलो। पर थोड़ी बारिश तो कल भी बहुत ज़्यादा हुई और आज भी बारिश हो रही है, और गाड़ी हमने यहाँ पार्क करी है, और हम क्या बारिश के मौसम में तो चाय तो बनती है, जहाँ पर भी रुकते वहाँ पर चाय तो पीना बनता ही है। तो अरे नहीं पड़े यहाँ पानी, यहाँ पर ही है। सुमित भैया ने चाय पीले जगह थे यार। भैया तो गाइस मैं भैया से पूछ रहा हूँ कि कल का कार्यक्रम, भैया बताओ कल का कार्यक्रम कैसा लगा? कल का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा और दीपक भैया भी बहुत अच्छे नाचा। हम तो दिन भर से भूखे थे, हमारे एनर्जी पूरी खत्म हो गई, मैच चल नहीं रहे थे यार, नचा रहे थे पब्लिक को। हाँ नचा तो क्या था, इंदौर का प्रोग्राम मतलब तो पहली बार ऐसा हुआ, पहले भी आने वाले टाइम में तो बैठते हैं गाड़ी में। संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी भाई से दरखास्त की, कल्याण जी आनंद जी भाई क्या हुआ बैग का? बैग मार है आजकल गाड़ियों का क्रेज है, मतलब। तो दोस्तों हम जा रहे हैं इंदौर में, जो घूमना था घूम लिया, और मेरा तो अचानक से मूड बना घर जाने का, तो अभी घर के लिए निकल गए हम, और अपने भैया दीपक भैया जवाहर दादाजी का आवाज। Hold me close till I get up, time is barely on our side. तो हमारे को यहाँ पे थार का कुछ थोड़ा बहुत काम करवाना था, तो उसका काम हो गया, और अभी भाभी के पास जा रहे, डिंपल भाभी के यहाँ पे, डिंपल भाभी वहाँ पे वैष्णो धाम पे है, तो उनको लेके वो डायरेक्ट निकलना है धनवानी के लिए, और साथ में तो प्लस भूख भी ज़्यादा लग रही है, क्योंकि अभी टाइम भी काफ़ी लेट हो गए, और अभी खाना भी नहीं खाया, तो इसको गाड़ी निकाल लेते हैं। तो गाइस हम गाड़ी वहाँ खड़ी है, और हम वही कह रहे थे पहले कि काफ़ी देर की भूख लग रही, तो रास्ते में आए हैं, रास्ते में गाड़ी खड़ी करी और थोड़ा सा कुछ नाश्ता वगैरह लेते हैं। अब भैया गर्म में क्या है? देख हमारी कचौरी प्लस सेव। हाँ वेटर साहब क्या लेके आए हमारे? वो कुछ देखिए ना, खट्टा मीठा, वो खट्टा मीठा मजा आएगा खा के, चले लेके। सो गाइस हम कल गंदवानी के लिए निकले थे, और गंदवानी नहीं जा पाए, ज़्यादा लेट भी हो गए थे, तो यहीं पे भाभी के यहाँ रुक गए थे दीपक के ससुराल में। तो अभी कहाँ जा रही बहनों? हाँ कहाँ जा रही?
खाना कर रहा है, सामान वगैरह रख लिया डिक्की में, बस चलो देखते हैं अंदर। चलो till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow. तो गाइस हम अभी करीब हैदराबाद से ट्रेन में आ गए और अभी तो कर रहे हैं। तो अभी थोड़े से क्या थक गए गाड़ी में बैठ बैठ के, तो थोड़े से क्या इधर जंगल वाले क्षेत्र में रुके हैं और हल्का हल्का पानी भी गिरा था। मौसम तो बहुत ही तगड़ा, एकदम मज़ा आ रहा है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि इधर ही कहीं घर बना लो, इधर ही रहने लग जाऊँ। पानी का जंगल तो है यार, बहुत ही खतरनाक। यहाँ से और यहाँ पर रास्ते में रुके भैया के फैन वगैरह मिल गए, तो कितने रुके थे बहुत भाई को फोटो। गाइस हम घूमते फिरते हैं, अभी तक गंधवानी नहीं पहुँचा, गंधवानी के लिए निकला। पर अभी फ़िलहाल में तो और थोड़ा लेट हो जाएंगे घर जाने के लिए, पर दीपक बोले कि थोड़ा घर जाके आते हैं, तो घर गए, घर आए और अभी जस्ट है, थोड़ा आराम आराम करते हैं। और बस इतना, अभी थोड़ी देर से निकलते हैं यहाँ पे, थोड़ा मतलब आधा घंटा कभी आराम आराम कर ले, फिर बाद में गाड़ी लेके निकलेंगे। शायद का बुलेट, ये बुलेट लेके निकले क्या फिर वही गाड़ी। मैं दीपक, चल इसको बता रहा हूँ, चल इसके बारे में। सो गाइस अभी टाइम भी काफ़ी हो गया है और अभी निकलते हैं गंधवानी के लिए। चलो यहाँ का लोकेशन, यहाँ का नज़ारा देख सकते हो। बरसात के टाइम पे तो क्या ही बोले। चलो हम खाना वाना खा लिए और मिर्ची रोटा खाए और अब जा रहे हैं। कल निकले थे गंधवानी के लिए और आज पहुँच रहे हैं गंधवानी। क्या दीपक सर? नहीं मेरे लिए तो जब हमको सर बोलेगा हमको इज्जत देगा उसको इज्जत मिलेगी। हाँ, सही सीधी बात है। सही है कि नहीं? सही है। तो गाइस मैं फाइनली घर आ गया हूँ और ये वाले व्लॉग का अपन यही करेंगे। और गाइस जितने भी अपने व्यूअर है ना, सभी सब्सक्राइब करके जाना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना। और कोशिश करेंगे कि अच्छे अच्छे व्लॉग एंड वीडियोज़ लाते रहेंगे। बस इतना ही बोलना चाहूँगा। बाय बाय बाय, धन्यवाद।